बड़े बड़े यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है, मैकडॉनर है गाइस। तो ये जो और भी सामने में आपको नजर आ रहा होगा, चौक चौराहा बना हुआ है, बस स्टैंड बना हुआ है, इस जगह जगह पे आप लोगों को मैं बताया ना, सिटी बस मिलती ही रहेंगे। तो चलो आप लोगों को हल्का फुल्का दिखलाता हूँ यहाँ से, जो मॉल वगैरह पे जो दुकान होते हैं ना, वो इस तरह से दुकान लगा के। ओ तेरी कौन सा भाई करे बाबा। हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल व्लॉग्स रोड पे, फिर से सभी का स्वागत है गाइस। तो आज मैं आप लोगों को भुवनेश्वर सिटी दिखलाने वाला हूँ। आप में से बहुत भाई बहन रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भुवनेश्वर सिटी दिखलाइए करके, तो लीजिए आप लोगों के लिए मैं व्लॉग बना रहा हूँ और व्लॉग एंड तक देखिएगा, काफी कुछ मैंने जानकारी इस व्लॉग में दिया हुआ है। और ये देखो, ये ब्रिज भी है, और ये देखो घर यहाँ पे कितने सारे यहाँ पे घर बने हुए हैं। बाप रे, नेक्स्ट लेवल, पहले ऐसा सिटी में देख रहा हूँ उड़ीसा का, जितने बड़े बड़े घर बने हुए हैं भाई साहब। गाइस ये है सिटी बस, ये सिटी बस आप लोगों को मिलते ही रहेंगे। तो अगर आप सिटी बस में घूमना चाहते हैं, उसका आनंद उठाना चाहते हैं, तो हर 5-5 मिनट में आप लोगों को मिलता रहेगा कहीं भी आप रहें। गाइस यहाँ पे है यामा शोरूम, और भी काफ़ी सारे शोरूम है, वी मार्ट करके लिखा हुआ है। और हम सीधा सीधा चल रहे हैं, और यहाँ पे चौक चौराहे भी बने हुए हैं, तो हमारा सिग्नल ओपन हो चुका है, तो हम आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को पूरा सिटी भ्रमण कराते हैं। इस साइड भी है, काफ़ी बड़ी सिटी है, हर एक चीज़ दिखला पाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इस साइड में है बजाज शोरूम, ये देखो, और आगे में और है, काफ़ी सारे शोरूम है, कार बाइक LG शोरूम, और ये देखो इतने बड़े से कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे। और यहाँ पे स्टेडियम भी है, हॉकी स्टेडियम, ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। ये है नहीं, ये नहीं, आगे वाला है, ये तो 1 BHK 2 BHK फ्लैट हैं गाइस। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को सिटी, मेन जो सिटी है ना, उससे 5 किलोमीटर पहले का दिखला रहा हूँ मैं। मेन सिटी आगे साइड में है, और ये देखो इतने बड़े बड़े यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है, मैकडॉनर है, और ना जाने क्या क्या यहाँ पे शॉपिंग मॉल खुले हुए हैं। और ये सिटी बस देख सकते हैं, रोड अच्छा खासा बना हुआ है, और उस तरह से पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं, वेल मेंटेन है भाई जगह, काफ़ी साफ़ सफाई के मामले में भी आगे है। आपको यहाँ पे गंदगी ना के बराबर देखने को मिलेंगे, आप देख ही सकते हैं, रोड भी एकदम चकाचक है, और पेड़ पौधे तो है ही यहाँ पे। यहाँ भी है मैक्स का बड़ा सा शोरूम है यहाँ पे, और हमारा सिग्नल स्टॉप हो चुका है। ये देखो यहाँ पे सब आना जाना कर रहे हैं। ये देखो गाइस कितना खूबसूरत सा दिख रहा है, शेषनाग कृष्ण भगवान मंदिर है उस साइड में। इतना बड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, पता नहीं क्या चीज़ का है बड़ू, लेकिन काफ़ी सुंदर सा दिख रहा है। और हमारे लेफ्ट साइड में है फुटबॉल ग्राउंड, और ये है बस स्टैंड, इस तरह से है बस स्टैंड। और आगे बढ़ते जा रहे हैं, प्रॉपर आप लोगों को जानकारी देते हुए, जब भी आप बाइक से आएंगे संबलपुर से, तो इसी रोड से ही जाओगे सिटी के लिए। तो इधर देखिए भाई, एयरटेल, HDFC बैंक, और काफ़ी सारे यहाँ भी दुकानें हैं, पिज़्ज़ा हॉट, क्या बात है ज़बरदस्त। ये क्या है पता नहीं, उड़िया में लिखा हुआ है, उड़िया तो अपने को आता नहीं है। इस तरह से काफ़ी सारे जगह हैं जहाँ से आप एंट्री ले सकते हैं। ये देखो प्लाजा। तो गाइस सामने में जो दिख रहा ना, यहाँ से लोग चढ़ते हैं और ऐसे उतरते हैं नीचे। और इधर भी काफ़ी सारे मैकडॉनर, KFC और क्या क्या खुल गया भाई, और काफ़ी शानदार सा नज़ारा है। रोड भी अच्छी चौड़ी चौड़ी है, ये देखो मस्त बना हुआ है, ऐसा लगेगा आप बहुत बड़ी सिटी में आए हुए हो करके। यहाँ पे इस तरह से हैं जो हम देखते हुए जा रहे हैं गाइस। तो ये जो और भी सामने में आपको नज़र आ रहा होगा, भुवनेश्वर टू पुरी है, यहीं से अपने को वैसे जाना है पुरी के लिए। यहाँ से पुरी लगभग 50 किलोमीटर के आसपास में ही है, तो कल अपने को निकलना है पुरी के लिए। और इस तरह से चौक चौराहे बने हुए हैं, और मैं भी फर्स्ट टाइम आया हूँ भाई भुवनेश्वर, मुझे भी ज़्यादा जानकारी नहीं है, फिर भी आप लोगों को अपने वीडियो के माध्यम से जानकारी देने की कोशिश में लगा हुआ हूँ। और ये देखो यहाँ भी टेंपल है, और गाइस हमारे राइट साइड में भी देख सकते हैं, ये है स्टेडियम, शायद यही हॉकी होता होगा, कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन दिख तो वैसे ही रहा क्योंकि लाइट वाइट सब लगे हुए हैं।
और उड़िया में लिखा होता है ना, इस वजह से मैं देख भी नहीं पाता हूँ, पढ़ भी नहीं पाता हूँ मैं। हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ स्टेडियम गेट नंबर 567, ये है भाई हॉकी स्टेडियम। ये देखो स्टेडियम, यहाँ से जा सकते हैं आप। बाकी ये देखो फुटपाथ में चलने के लिए भी अच्छा खासा रोड बना हुआ है, और इस साइड भी काफ़ी सारे दुकानें देखने को मिलेंगे, उस साइड भी देखने को मिलेंगे। तो ये गेट सेक्शन दिया हुआ है, और यहाँ से चढ़ के आप इसको क्रॉस कर सकते हो रोड को। बड़े बड़े बिल्डिंग, और ये देखो यही है यहाँ की CM, इसका फ़ोटो लगा हुआ है, उड़ीसा का CM। और अच्छी मस्त ठंडी ठंडी हवा चल रही है। यहाँ पे जगह जगह पे CCTV कैमरा भी लगा हुआ है रोड पे, इस हिसाब से अपना नया रायपुर में लगा हुआ ना वैसे यहाँ भी हर जगह हर चौक चौराहे पे लगा हुआ है गाइस। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एयरपोर्ट, सीधा सीधा वाली रूट है एयरपोर्ट गाइस। तो बस हम लोग सिटी भ्रमण कर रहे हैं आप लोगों को जानकारी देने के लिए। अभी हम लोग ये वाली रूट पर आ गए हैं, ये देख सकते हैं यहाँ भी छोटे मोटे दुकान है, और रोड हर जगह ऐसी चौड़ी चौड़ी देखने को मिलेंगे। इधर है SBI बैंक, बस घूम रहे हैं इधर से उधर इधर से उधर, क्योंकि सिटी जो है गाइस बहुत बड़ा है। देखो ये भी तैयार हो रहा है 1BHK 2BHK फ्लैट वगैरह, इस साइड भी अभी तैयार हो रहा है, और सब कुछ नया है हमारे लिए। हम कोशिश कर रहे हैं कि 20 मिनट के वीडियो में आप लोगों को पूरा सिटी टूर करा दे। ये देखो एक्सिस बैंक, वाह, मतलब कि ये ओल्ड सिटी लगता है, इस साइड पुराने पुराने कॉम्प्लेक्स देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ भी एक और ओवर ब्रिज देखने को मिला है। अब यहाँ से सोच रहे हैं किधर जाएं, बट दिखाना भी है आप लोगों को सारी जगह, तो हम राइट ले लेते हैं यहाँ से। इधर पूरी मार्केट एरिया देखने को मिल रही है, ये देखो यहाँ से अपन राइट ले रहे हैं, और यहाँ का पूरा मार्केट आप लोगों को दिखलाते हैं, शहर दिखला रहे हैं, सब कुछ दिखलाएंगे। फेमस मार्केट कहाँ पर है वो भी दिखलाएंगे। देखो यहाँ से चालू हो जा रहा है दुकानदारी एरिया, और ये ओवर ब्रिज है, यहाँ पे टेम्पो कार सब खड़ी है पार्किंग में। और यहाँ पे इस तरह से है सुलभ शौचालय। ये देखो गाइस यहाँ पे फल के दुकान है काफ़ी सारे, अगर फल आपको ख़रीदना है तो आपको रेलवे स्टेशन के पास आना पड़ेगा। अभी हम रेलवे स्टेशन के पास में आ चुके हैं, हर जगह चौक चौराहा बना हुआ है, बस स्टैंड बना हुआ है जहाँ पे सिटी बस आती है, उसमें भी आप ट्रैवल कर सकते हैं अगर आपके पास कोई सुविधा नहीं है तो। चलते हैं दिखलाने के लिए आप लोगों को रेलवे स्टेशन कैसा दिखता है बाहर से। फुटपाथ में चलने के लिए भी अच्छा खासा यहाँ पे बना हुआ है। अब देखो फुल सिटी का नज़ारा आप लोगों को दिखला रहा हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा भीड़ भाड़ देखने को मिल रहा है, इससे पहले जो दिखला रहा था थोड़ा सा आउट एरिया था, मतलब कि सिटी से बाहर का एरिया। अब हम धीरे धीरे सिटी में प्रवेश कर रहे हैं, और क्या बात है बाहर, और जो यामा की बाइक चला रहे हैं भाई साहब। और यहाँ दोनों व्यक्ति को हेलमेट पहनना अनिवार्य है, देख सकते हैं हर कोई, अगर पीछे में जो भी बैठा है वो भी हेलमेट पहनता है। जैसे अपने छत्तीसगढ़ में चलता है ना, कोई हेलमेट पहनता ही नहीं है, और चलान जब कटती है तो फिर रोने लगते हैं, तो यहाँ पे ऐसा है ही नहीं। अगर हेलमेट नहीं पहनोगे तो यहाँ पे 2 या 3 हज़ार रुपये फ़ाइन है, और यहाँ पे गुपचुप मिल जा रहा है। तो ये वाली जो रूट है ये सीधा ले के जाती है कटक के लिए, तो यहाँ से मैं यू टर्न ले लेता हूँ। मार्केट दिखलाने हैं आपको भुवनेश्वर का, नहीं तो मैं बाहर निकल जाऊंगा। देखो पूरी यहाँ पे 57 किलोमीटर लिखा हुआ है। तो गाइस जगह जगह पे आप लोगों को मैं बताया ना सिटी बस मिलते ही रहेंगे, तो इसका भी आप आनंद उठाइएगा ज़रूर, मज़ा आएगा आप लोगों को। यहाँ पे हर 5-5 मिनट में आपको सिटी बस देखने को मिलेंगे। और ये देखो होंडा शोरूम, अभी हम लोग मार्केट जाने के लिए यहाँ से आगे जो चौक है जहाँ से मुड़ा था वहाँ से राइट लूँगा, यहाँ चलना है। देखो सिटी बस लगातार आ रही है,
हम यहाँ से राइट ले रहे हैं मार्केट देखने के लिए। उतना ज़्यादा क्राउड नहीं रहता है ये पुलिस वाले भाई साहब। और यहाँ पे एक चीज़ ये भी देखा हूँ गाइस, जैसे अपने उधर चलता ना, जगह जगह पे खड़े हो जाते हैं पैसा खाने के लिए पुलिस वाले लोग कोंटे कांटे में। यहाँ पे ऐसा बिल्कुल देखने को नहीं मिला है। अब होता होगा तो नहीं पता, लेकिन मैं तो नहीं देखा हूँ। यहाँ पे पूरा बोर्ड पे मेंशन किया गया है क्या क्या चीज़ें हैं। ये देखो एयरपोर्ट है इस साइड से, और सीधा है एजी। तो अपने को नीचे उतरना है मार्केट के लिए। ये देखो मार्केट एरिया यहाँ पे। तो चलो देखते हैं कहाँ से जाना है। देख सकते हैं गाइस यहाँ पे ऐसे बिल्डिंग बने हुए हैं और मेन मार्केट एरिया यही है। तो चलो आप लोगों को हल्का फुल्का दिखलाता हूँ, यहाँ से मेन मार्केट चालू जाता है। ये देख लो कबाब मिल जा रहा है भाई साहब। तो देखते जाइए आप लोग भुवनेश्वर का फेमस मार्केट जो आप लोगों को हम दिखला रहे हैं हमारे व्लॉग में। देखो रोड यार यहाँ के सही नहीं बनी हुई है, मोबाइल कवर और यहाँ भी इस। तो देखिए यहाँ पे फल के काफ़ी सारे दुकानें लगे हुए हैं, ये देखते जाइए आप लोग। मैंने मार्केट का भी व्लॉग बनाया है, और भी बहुत सारे यहाँ पे मार्केट है, लेकिन अभी क्या है देख सकते हैं अभी अंधेला होने वाला है, इस वजह से मैं नहीं बना रहा हूँ। आप लोगों को सिटी दिखला रहा हूँ SBI का। बाप रे ने लोग यार, ये देखो भाई क्या सजा हुआ दुकान यहाँ पे, और उधर SBI बैंक इस साइड में है भाई। भीड़ भाड़ एरिया इस साइड में देखने को मिल रहा है अपने को। देख रहे हो इधर सब खरीदारी कर रहे हैं। चलो गाइस अपना सिग्नल ओपन हो गया है, और ये देखो यहाँ पे बाटा और न जाने क्या क्या यहाँ पे शोरूम है इस साइड जो आप लोगों को मैं दिखला रहा हूँ। अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। वाह ठंड नहीं है यार इस सबसे समुद्र किनारे भुवनेश्वर सिटी बसा हुआ है, हालांकि थोड़ा सा दूर में है लेकिन फिर भी ठंड बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग को तो गर्मी लग रही है गर्मी। अच्छा खासा सजाया हुआ है भाई दुकान को। और जिस दिन मैं आया हुआ था ना भुवनेश्वर सिटी, उस दिन भी मैं आप लोगों को ये दिखलाया हुआ था। देखो LED लग गया है, LED लगा दिए भाई दुकान में। इस साइड भी दुकानें हैं काफ़ी पुस्तकें, और इधर तो देख ही रहे हैं बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स वगैरह है, और ये चलने के लिए फुटपाथ बना हुआ है इस तरह से। अच्छा लग रहा हो वीडियो तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और जानकारी भी दीजिएगा अगर आप यहाँ से हमारा व्लॉग देख रहे हैं। यहाँ पे एक मंदिर है। रोड चौड़ी चौड़ी है करके ना यहाँ पे ट्रैफिक उतना जाम नहीं होता है, बस सिग्नल के पास नहीं होता है जाम। ये देखो यहाँ भी इस तरह से, मतलब कि जो मॉल वगैरह पे जो दुकान होते हैं ना वो इस तरह से दुकान लगा के रखे हुए भाई रोड किनारे में। सिग्नल ओपन है तो निकाल लेते हैं, सिग्नल देखना पड़ेगा आप लोगों को, नहीं तो फाइन कट सकती है, तो इस चीज़ का ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे सब बस का वेट कर रहे हैं, सिटी बस का। और इधर भी काफ़ी सारे दुकानें हैं। क्या लगा चौपाटी तो लगा है भाई। और ये मंदिर है, बहुत प्यारा सा मंदिर है। आएँगे यहाँ पर दर्शन करने के लिए, यहाँ का व्लॉग बनाने के लिए। राम मंदिर है ये जो आप लोगों को अभी दिखला रहा था। अच्छा खासा लाइटिंग किया गया यहाँ पे, लोग भी हैं। और देखते हैं आगे बढ़ के। अरे ओ तेरे की कौन सा बाइक रे बाबा, हाँ हाँ ना यार एक सुपर बाइक। इस तरह का रोड रहे तो सुपर बाइक चलाने का अपना अलग ही मज़ा है। मुझे तो भाग गया भाई ये भुवनेश्वर सिटी, बहुत बेहतरीन बना हुआ है। देखो एक और भाई, साउंड सुनाई दे रहा होगा आप लोगों को। ओहो क्या बात है, ज़बरदस्त साउंड कर रहा है यहाँ पे। और ये देखो यहाँ भी बुक डिपो जो अपने भिलाई में होते हैं ना, यहाँ पे इस तरह से दुकान लगे हुए हैं बुक डिपो के। और ये देखो रिलायंस, काफ़ी सारे
ऐसे ऐसे दुकान हैं जो अपने को पता भी नहीं है। बस चल रहे हैं। ये देखो यहाँ भी दुकान ही दुकानें हैं। इस साइड चौपाटी लगा हुआ है जहाँ पे आप चौपाटी का आनंद उठा पाएंगे। चौपाटी तो वैसे हर जगह देखने को मिलेगा आप लोगों को। भुवनेश्वर में अच्छी जगह है यार, मतलब कि मज़ा आएगा आप लोगों को सही में। तो अभी इधर से जाते हुए भी आप लोग देख लो, पार्किंग देख लो कार वगैरह का, इस तरह से पूरा बना के रखे हुए हैं और बहुत बढ़िया लगा ये सिस्टम। अपने रायपुर में भी अच्छा खासा होना चाहिए, मस्त बढ़िया से बनाना चाहिए। हालांकि नया रायपुर तो बन रहा है लेकिन उसको अभी लगे यार, पता नहीं और कितने साल लग जाएंगे डेवलप होने में। अभी लगभग कितने साल हो गए हैं, 5-6 साल से ज़्यादा ही हो गए हैं लेकिन अभी तक डेवलप हो नहीं पाया सही शॉर्ट। वो तो जंगल सफारी, पुरपोक्ति मुक्त आंगन ये सब है करके लोग वहाँ पर जा भी रहे हैं, नहीं तो वो भी नहीं जाते। बाकी इस तरह से फुटपाथ पर चलने के लिए बनाना चाहिए अपने छत्तीसगढ़ में भी। और इधर भी देख रहे हो हल्का फुल्का मार्केट है और ये सिटी बस, बताया ना सिटी बस हर जगह देखने को मिलेगा आप लोग। अभी मैं हूँ रेलवे स्टेशन के पास में और ये देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से खाने पीने की दुकान देखने को मिलेंगे। और ये है होटल, यहाँ पे हमने पूछे थे, थोड़ा सा हाई फाई होटल है क्योंकि आसपास में ज़्यादा कुछ होटल नहीं है। रेलवे स्टेशन के जितने भी होटल हैं सब बुक हो जाते हैं कि काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं। यहीं पे हमने बिरयानी टेस्ट किया था लेकिन 140 रुपये लिया, लेकिन कुछ स्वाद नहीं था उस बिरयानी में। तो अभी मैं आप लोगों को भुवनेश्वर का रेलवे स्टेशन दिखलाते हैं। यहाँ पर है रिलायंस स्मार्ट, ये तो इस तरह से, और जस्ट हम लोग भी यहीं पे होटल लिए हुए हैं जिसका मैं ऑलरेडी रेट बता चुका हूँ, वो भी बहुत दिक्कत के बाद में मिला हमने को। और ये है भुवनेश्वर का रेलवे स्टेशन, ये देख सकते हैं आप लोग भुवनेश्वर। मानता हूँ कि अभी शाम का समय है, अंधेरा हो चुका है लेकिन जितना हो सकता है उतना मैं आप लोगों को बतला देता हूँ जो